हेलो दोस्तों, गेट्स मैचेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीक्वल क्वेरी, और क्वेरी क्या है, फाइंड द nth हाईएस्ट सैलरी। n की वैल्यू यहां पे 1, 2, 3 अप टू n ले सकते हो। अगर हम प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो SQL जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और स्पेशली प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली प्रायोरिटी रहती है कि हम SQL के अंदर से कोई ना कोई क्वेरी जो है वो पूछें। अब SQL के अंदर ऑब्वियसली देर आर लॉट ऑफ क्वेरीज, लेकिन उसमें भी अगर हम बात करें फाइंड द हाईएस्ट सैलरी, फर्स्ट हाईएस्ट मतलब टॉप अगर हमें को निकालनी है, या सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, फोर्थ हाईएस्ट, ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है कि ऐसा करो, एक टेबल आपको दिया हुआ है, राइट अ क्वेरी टू फाइंड द फिफ्थ हाईएस्ट, टेंथ हाईएस्ट। तो इस टाइप की क्वेरी को आपको कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सिंगल क्वेरी अगर मुझे लेट्स से कोई भी टेबल दिया है, अगर हमारे पास लेट्स से एम्प्लॉय टेबल है, एम्प्लॉय टेबल के अंदर लेट से देर इज अ एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय सैलरी, मैं सिर्फ दो ही कॉलम ले रहा हूं क्योंकि हमने यहां पे मेन सैलरी फाइंड आउट करनी है। तो यहां पे मैं आईडी और सैलरी दो कॉलम ले रहा हूं, आप नेम कुछ भी और एड्रेस फोन नंबर कुछ भी डाल सकते हो। लेट से आईडी है एम्प्लॉय आईडी 1, सैलरी है 10,000, 2 सैलरी है 20,000, 3 सैलरी है लेट से उसकी भी 20,000 ले लो, 4 30,000, 5 40,000, 6 50,000। मैंने यहां पे 6 एम्प्लॉइज का डेटा लिया है, 10 20 20 30 40 50, ये मैंने सैलरीज ली है। यहां पे मैंने सैलरी को रिपीट किया है क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें सारे टाइप का डेटा जो है वो लेना पड़ता है टेबल के अंदर। ऐसा नहीं है कि आप एक फिक्स टाइप का डेटा लो और उसके ऊपर क्वेरी लिखो, अगर आपका आंसर आ गया तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो आंसर आपका किसी और डेटा में हो सकता है गलत आ जाए। तो आपको इस टाइप का डेटा लेना है जहां पे सारे केसेस आपके कवर हो जाएं, मतलब आपको इस तरीके से क्वेरी लिखनी है कि डेटा जो मर्जी हो आपकी क्वेरी वहां पे एग्जैक्ट आंसर जो है वो देगी। तो ये मैंने एक एम्प्लॉय टेबल लिया है। अब इस एम्प्लॉय टेबल में अगर मुझे हाईएस्ट सैलरी फाइंड आउट करनी है तो सिंपल सा फंडा है हमारे पास, सेलेक्ट मैक्स सैलरी, सेलेक्ट मैक्स सैलरी हमारे पास एग्रीगेट फंक्शन है, सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, लेट्स से टेबल का नेम है ईएमपी, तो मैंने सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय किया, 50,000 आपका यहां पे आंसर आ जाएगा क्योंकि मैक्स जो है वो बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर देगा। लेकिन अगर मुझे सेकंड हाईएस्ट फाइंड आउट करनी है तो क्या करोगे, सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, इसी के साथ लिख दो, वेयर सैलरी नॉट इन ब्रैकेट स्टार्ट सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। मतलब क्या किया हमने, यहां पे हमने नेस्टेड क्वेरी लिखी और ये नेस्टेड क्वेरी में इंटरनली सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय चलेगा। सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय क्या हुआ, 50,000 इसका आंसर आया, 50,000 यहां पे आंसर आ गया इसका। अब बाहर वाली क्वेरी में क्या है, सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी नॉट इन, नॉट इन का मतलब है कि 50,000 ना हो, तो कौन कौन सी सैलरी है, 10, 20, 30, 20, 30, 40, अब इनमें से भी मेरे को क्या निकालनी है, मैक्स सैलरी, तो ऑब्वियसली मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 40,000 मेरा आंसर आ जाएगा। तो यहां पे मेरे को सेकंड हाईएस्ट मिल गई। अब इसके बाद जो थर्ड हाईएस्ट है, फोर्थ हाईएस्ट है, फिफ्थ हाईएस्ट, यहां पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहां पे मैं एक क्वेरी लेके आ रहा हूं, ऑल्दो देयर आर मल्टीपल मेथड्स, लेकिन ये मेथड आपका बिल्कुल फुल प्रूफ है और हमेशा आपको याद भी रहेगा, सिंपल सा मेथड है, सेलेक्ट आईडी कॉमा सैलरी, जो भी एट्रीब्यूट आपको निकालने हैं फ्रॉम एम्प्लॉय, ये वाला टेबल, उसका हमने एक एलाइज जनरेट कर दिया ईवन, एक एलाइज जो है वो डमी नाम हमने बना दिया ईवन, वेयर एन माइनस वन, यहां पे एन क्या है, nth, जो भी आपको हाईएस्ट सैलरी निकालनी है, मतलब लेट से फिफ्थ हाईएस्ट निकालनी है तो यहां पे 5 पुट कर दो, इज इक्वल टू सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट सैलरी, हमने निकालना है यहां पे काउंट डिस्टिंक्ट सैलरीज का फ्रॉम एम्प्लॉय E2, एम्प्लॉय का एक और एलाइज बना दिया E2, वेयर E2 डॉट सैलरी इज ग्रेटर देन E1 डॉट सैलरी ब्रैकेट मंथ। तो यहां पे हमने कोरिलेटेड नेस्टेड क्वेरी लिखी है। कोरिलेटेड नेस्टेड क्वेरी को कैसे हम रिकॉग्नाइज करते हैं, जहां पे आउटर क्वेरी का कोई ना कोई वैल्यू हमने इनर यूज किया हुआ है। देखो आउटर क्वेरी में जो एम्प्लॉय टेबल है उसका हमने एलाइज बनाया E1, और E1 को हमने यहां पे इंटरनली इस क्वेरी के अंदर, इंटरनल क्वेरी के अंदर यूज किया है, इसको बोलते हैं हम correlated nested query। और correlated nested query के बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है और उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जिसमें मैंने डिटेल में बताया कि correlated nested query होती क्या है विद एग्जांपल, तो एक बार वो वीडियो आप जरूर चेक कर लेना। यहां पे हम मेन फोकस कर रहे हैं nth हाईएस्ट सैलरी के ऊपर। अब लेट्स से मेरे को
इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है, मतलब इस क्वेरी को रन कैसे करना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेरी तो कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्रैम कर लेते हैं। क्रैम करने का कोई बेनिफिट नहीं है, आप उसके लॉजिक को समझो। अगर एक बार आपको लॉजिक क्लियर हो गए तो आप कोई भी क्वेरी लिख सकते हो, ये मेरी गारंटी है। तो यहां पे मेरे पास इंप्लॉय टेबल के हमने दो एलाइस बनाए, लेट्स से ये मेरा एलाइस है E1 डमी नाम, और एक बना दिया हमने E2। तो E2 मतलब है तो यही, लेकिन उसको लेट्स से एक बार और कॉपी कर देते हैं सैलरी एज इट इज, इसको कॉपी कर दो 1 10,000, 2 20,000, 3 20,000, 4 30,000, 5 40,000, 6 50,000। तो एलाइज का यूज बेसिकली हम क्यों करते हैं, क्योंकि एम्प्लॉई को हमने दो बार यूज किया है, एक यहां पे एक यहां पे। और अगर आप E1 E2 नहीं क्रिएट करोगे तो यहां पे क्या लिखोगे, वेयर Employee is greater than employee salary, employee salary greater than employee salary। Compiler confused हो जाएगा, जो compile करेगा इस query को, कि ये क्या बात बनी, employee salary greater than employee salary, किस employee की salary किससे greater। तो better है यहाँ पे हमने allies बना दिया E1 and E2। अब यहाँ पे हम देखते हैं इस query को evaluate कैसे करना है। तो correlated nested query कैसे evaluate होती है, outer query top to down है, मतलब पहले बाहर वाली query की एक line, बाहर वाली क्वेरी कौन सी है, सिलेक्ट आईडी सैलरी फ्रॉम इंप्लॉई E1, E1 का है ये रहा। तो इसकी पहली रो जो है, फर्स्ट रो को कंपेयर करना है सारी रोज के साथ, इनर वाली की सारी रोज के साथ, और इनर में मेरे पास कौन सा टेबल है E2। अब E2 के साथ हमने कंपेयर करना है इस रो को, तो क्या कंपैरिजन है, वेयर E2.salary इज ग्रेटर देन E1.salary। तो यहां पे देखो E2.salary, ये E2 की सैलरी है, E2.salary इज ग्रेटर देन E1.salary। E1 सैलरी कहां पे है, ये देखो 10। पहली रो को सबके साथ कंपेयर करो, तो पहली रो ये वाली है, तो लेट्स से 10 ग्रेटर देन 10 10 10 10 10 10 ये देखो सबके साथ कंपेयर कर दिया। मैंने यहां पे 10,000 नहीं लिखा, आप सिंपली यहां पे 10,000 ले लो। अब यहां पे हमने निकालना है कि कितनी वैल्यू से ग्रेटर है, हमने निकाला उसका काउंट, लेकिन काउंट के साथ डिस्टिंक्ट याद रखना, क्योंकि मैंने यहां पे कुछ सैलरीज को क्या लिया, डुप्लीकेट लिया। अगर आप यूनिक लेते हो तब तो ऑब्वियसली ये बेस्ट है, आपका नॉर्मली चल जाएगा, लेकिन अगर सैलरी डुप्लीकेट भी है ना, तब भी ये क्वेरी बिल्कुल एग्जैक्टली रन करेगी। करना क्या आपको, काउंट कर लो, क्या काउंट करना है, 10 ग्रेटर देन 10, 10,000 ग्रेटर देन 10,000 है नहीं है, 20 ग्रेटर देन 10 है, काउंट क्या हो गया एक, 20 ग्रेटर देन 10 है, काउंट क्या हो गया दो, नहीं काउंट कितना हुआ एक ही, क्योंकि हमने डिस्टिंक्ट सैलरी लिया है। तो सैलरी E2 वाले में डिस्टिंक्ट सैलरी का मतलब है इसको एक ही काउंट करना है। 20 ग्रेटर देन 10 है यस, 20 ग्रेटर देन 10 है यस, लेकिन डिस्टिंक्ट का मतलब है इसको एक बार ही काउंट करना है। तो 20 ग्रेटर देन 10 एक बार हो गया, तो काउंट क्या हो गया 1, 30 ग्रेटर देन 10 2, 40 ग्रेटर देन 10 3, 50 ग्रेटर देन 10 4। तो इस तरीके से आपको काउंट करना है, इसको हमने काउंट किया 0 आया, मतलब ये फॉल्स है, ये ट्रू है, लेकिन इसको एक बार ही काउंट करना है क्योंकि ये यूनिक है, यहां पे हमने डिस्टिंक्ट सैलरी ली है, तो 20 डिस्टिंक्ट हो जाएगा, तो एक बार इंटरनली काउंट होगा 1 2 3 4। तो यानी यहां पे चार केसेस में आप कह सकते हो, मैं यहां पे लिख देता हूं, चार केसेस में आप कह सकते हो कि आपका जो काउंट है यहां पे वो इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अब हमने करना क्या है, हमारा क्वेश्चन है लेट्स से कि मेरे को निकालनी है फोर्थ हाईएस्ट निकालनी है। अब लेट्स से फोर्थ हाईएस्ट निकालने के लिए मैंने यहां पे क्या पुट करना है, एन की वैल्यू को 4। तो यानी मेरे पास क्वेरी क्या आ गई, सिलेक्ट आईडी कॉमा सैलरी फ्रॉम इंप्लॉई E1 वेयर 4, फोर्थ हाईएस्ट आपको निकालनी है। ये मेरा क्वेश्चन है कि फाइंड द फोर्थ हाईएस्ट सैलरी। तो 4 - 1 क्या हो गया, वेयर 3 = यहां पे क्या हो गया 3 = सेलेक्ट, आगे का सारा आपका पूरा एज इट इज लिखा रहने दो, डिस्टिंक्ट सैलरी ये पूरा आपका एज इट इज आ जाएगा, ये वाली कंडीशन जो है यहां पे कॉपी कर दो। अब हमें क्या निकालना है, 3 किसके बराबर है, देखो यहां पे क्या आया 4 आया, पहली रो को जब हमने कंपेयर किया तो काउंट कितना आया 4, तो यानी इसको प्रिंट नहीं करना, अदरवाइज अगर ये बराबर होता तो आप इसको प्रिंट करके खत्म, आपका आंसर क्या हो गया खत्म, लेकिन नहीं। अब आ जाओ नेक्स्ट रो पे, नेक्स्ट रो क्या है मेरी 220,000। अब 220,000 को कंपेयर करो सबके साथ, तो यानी यहां पे क्या हो गया मेरे पास 10 की जगह, अब सारी जगह क्या हो गया यहां पे 20, तो लिख दो यहां पे 20 20 20 20 20 20 20
अब आ जाओ इस पे, 10 ग्रेटर देन 20 फॉल्स, 20 ग्रेटर देन 20 फॉल्स, ये मैंने पहले ही बोला डिस्टिंक्ट है तो एक बार काउंट करो, 30 ग्रेटर देन 20 ट्रू एक, 40 ग्रेटर देन 20 दो, 50 ग्रेटर देन 20 थ्री, तो यानी यहां पे आपके पास क्या रिटर्न करेगा ये काउंट, यहां पे 20 के हिसाब से क्या काउंट आ गया थ्री, यहां पे काउंट काउंट करना ना, तो काउंट कितना आ गया आपका थ्री। अब देखो वेयर थ्री इज इक्वल टू, तो थ्री इज इक्वल टू थ्री हो गया यहां पे, यस थ्री इज इक्वल टू थ्री हो गया क्योंकि इंटरनल क्वेरी ने काउंट दिया इसका थ्री, तो जैसी थ्री इज इक्वल टू थ्री मतलब ये ट्रू हो गया, ट्रू होते ही उसका आपको कौन सी लाइन सिलेक्ट की थी सेकंड वाली, उसका क्या प्रिंट कर दो आईडी सैलरी, तो देखो आपके पास क्या आ गई 220,000 आपका आउटपुट में आ जाएगा जहां पे 2 आईडी है और सैलरी क्या है 20,000। तो देख लो आप पूरे डेटाबेस में सबसे हाईएस्ट ये, सेकंड हाईएस्ट ये रही, थर्ड हाईएस्ट ये रही, फोर्थ हाईएस्ट आपकी 20,000 है। एक और फाइंड आउट कर लेते हैं, लेट्स से आपको निकालनी है थर्ड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट निकालने के लिए आपको एन की वैल्यू, इसको आप नोट कर लेना, थर्ड हाईएस्ट निकालने के लिए आपको एन की वैल्यू आपने क्या पुट कर दी थ्री, थर्ड जो भी निकालनी है वो एन की वैल्यू है, थ्री माइनस वन क्या आ गया टू, यहां पे आ गया आपका टू। अब आ जाओ पहली रो के हिसाब से फोर आया था तो दोबारा इवेल्युएट नहीं करना, टू के हिसाब से आपका काउंट थ्री आया था तो और कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट रो पे आ जाओ थ्री कॉमा ट्वेंटी, तो देखो थ्री कॉमा ट्वेंटी के हिसाब से भी आपका काउंट कितना आएगा थ्री ही आएगा, तो इसको दोबारा से काउंट करने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट आ जाओ फोर कॉमा थर्टी, यहां पर क्या आ जाएगा थर्टी थर्टी थर्टी, थ्री जीरो थ्री जीरो थ्री जीरो थ्री जीरो थ्री जीरो थ्री जीरो, आ जाओ 10,000 ग्रेटर देन 30 फॉल्स, ग्रेटर देन फॉल्स 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 ट्रू ट्रू, दो लाइनों के लिए क्या हो गया ट्रू, 40 ग्रेटर देन 50 ग्रेटर देन टू वैल्यू आ गई, तो यानी इस केस में आपका आंसर क्या आ गया टू, मतलब यहां पे काउंट कितना आ गया टू, तो टू इज इक्वल टू टू मैच कर गया कर गया, तो यानी कौन सी लाइन थी ये फोर्थ वाली, तो यानी आउटपुट में क्या आ गया फोर कोमा 30,000, तो देख लो आपकी थर्ड हाईएस्ट कौन सी है 50 पहली 40 दूसरी 30 तीसरी, तो इस तरीके से आप 30,000 सैलरी मतलब आपकी थर्ड हाईएस्ट जो है वो प्रिंट होगी, तो थर्ड क्या फोर्थ क्या टेंथ क्या ट्वेंटी, अभी तो मैंने सिर्फ डेटाबेस में 6 रोज डाली है, लेट से अगर ये 6,000 रोज भी होती तो आप 100th 200 कोई भी हाईएस्ट सैलरी आप फाइंड आउट कर सकते हो, तो ये बेसिकली फंडा है कि कैसे हम फाइंड आउट करते हैं nth हाईएस्ट सैलरी, तो ध्यान रखना कोरिलेटेड क्वेरी से हमने किया है, मल्टीपल मेथड्स है मैं मानता हूं लेकिन एक जो बेस्ट मेथड है जो आप हमेशा याद रखो वो ये वाला मेथड है, तो इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा स्पेशली प्लेसमेंट्स में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। थैंक यू।